My dear students uh, today our topic is uh, for God's sake hold your tongue okay hold the tongue um, page number hai, uh, chapter number 4 and page number 26 okay now listen carefully uh, there are uh, many wills prevalent among people which adversely affected their lives uh, one such common evil is backbiting in, the, in this lesson. The evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Like our hands, our tongue has the power to do good, or, uh, to, good to do good or evil uh, to others okay uh, So it is uh, common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran, and those who indulge in such activities, as the Quran says, woe to every kind of scandalmonger and backbiter. In the above um, uh, quoted ayat holy verse, two vices are strongly con condemned in the strongest terms. Okay, and talking or suggesting evil or somebody by word or gesture or behavior. और इंसल्ट बैक बाइटिंग बिहड दियर बैक्स इवन इफ वट एवर इज सेड इज ट्रू प्रोवाइड द पोर टू इज़ इवन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी मीनिंग देखनी है फॉर गॉड से होल्ड योर टंग होल्ड द टंग ओके कहते हैं ये uh, कहता है कि खुदा की खातिर अपनी ज़ुबान जो है उसकी हिफाजत करो खुदा की खातिर अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो एक्चुअली देखो बच्चों इस सबक में हमें क्या आ, मतलब आ, सीखना है ये सबक हमें अखलाकियात का दर्ज देता है किस बात का दर्ज देता है अखलाकियात का दर्ज देता है और इस बात को वाजा मतलब किया गया है इसमें कि हमारे हाथ की तरह आ, जैसा कि आई लाइक आवर हैंड्स आवर टंगज़ द पावर टू डू गुड आर इविल टू अदर्स हैं इस आ, मतलब हमारे हाथों की तरह हमारी ज़ुबान में भी ऐसी ताकत है जिससे वो दूसरों का अच्छा या बुरा कर सकती है अक्सर देखा है कि लोग पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं है ना आप सब ये तो जानते ही हो कुरान शरीफ में ऐसा मतलब करने को सख्त मना किया गया है अल्लाह ताला फरमा अल्लाह ताला, ताला कुरान में फरमाते हैं कि बुरी खराबियाँ ऐसे शख्स की जो ऐप टटोलने वाला या गहबद करने वाला हो जैसा कि मैं आपको रोज़ क्लास में समझाती हूँ ठीक है इस आ, मतलब इस आयत मुबारक में वो दो बुराइयों की दो आ, बड़ी बुराइयों की मजम्मत मतलब करते हैं कहते हैं कि बुराई और मजम्मत मतलब उस शख्स के लिए जो आ, दूसरों के ए, मतलब तलाश करता है किसी आ, बेचारा कोई इंसान होता है उस पर अच्छाई भी होती है अब थोड़ी सी बुराई परफेक्ट तो कोई नहीं होता है ना अब किसी में थोड़ी बुराई दिखी तो किसी की आदत होती है कि उसके पीछे आ, मतलब जब वो चला जाता है तो उसकी बातें करते हैं उसको गेहबत कहते हैं ठीक है बुराई और मजम्मत उस शख्स के लिए जो मतलब मतलब दूसरे के ऐप तलाश करता फिर और मतलब वो शख्स जो मतलब गैबत करे यानी दूसरों की गैबत करना मतलब उसको कहते हैं दूसरों के पीठ पीछे पीछे उनकी बुराई करना और मतलब इन दोनों बातों को करने में हमें अल्लाह ने करने से हमें अल्लाह ने मना किया है इसी तरह मतलब नबी करीम अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गैबद करना ऐसा है जैसा अपने मतलब मरे हुए भाई का गोश्त खाना है इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मतलब दुआ सिखाई है कि अल्लाह से कानों आँखों और दिल मतलब और ज़ुबान की भी खासकर ज़ुबान की बुराई से पना मांगा करें सिर्फ मतलब Um, okay now uh, listen how it is uh, not only Islam which uh, denounces backbiting but all the religion in the world also denounce it uh, for instance, um, or for example uh, the Bible says for we all stumble in many ways and if someone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bri uh, able to bridle his whole body. Okay? Freedom from fear, I say gitane kaha hai, uh Theek hai, Lord Buddha Urbi Matla uh, Bab Sari कहते हैं कि सिर्फ़ इस्लाम ने गैबत और ऐब जोई से मना नहीं किया है बल्कि दूसरे मज़ाहब में भी इस बात से आ, मना किया गया है इस बात पर बहुत गौर किया है कि और इस बात मतलब एब ने मतलब गैबत करना वगैरह इस बात से मतलब हर एक जो जिनकी भी मुक़दस किताब होती है जैसे हमारे कुरान में लिखा है ऐसे ही कहते हैं कि ईसाइयों की मुक़दस किताब भी है बाइबल उसमें भी बुराई बुरी खसलतों की मजम्मत की गई है मतलब साथ ही ताकीद की गई है कि वो मतलब अपने जिसम और अजा को